Hello students, good morning to all of you to join my channel. Today in the class I will explain some very difficult concept, deep concept in the class. So one sentence is written on the blackboard, look at it. Dekho, maine likha, God help the queen, भगवान रानी की मदद करे, चार ऑप्शन दे दिए, हेल्प है, हेल्प्स, विल हेल्प, हेल्प्ड, सभी पता, भगवान रानी की मदद करता है, करेगा, किया भगवान ने, तो हमारे दिमाग में एक बात उठेगी, कौन सा लगना चाहिए, तो इस तरह से कंफ्यूज हो जाएगा माइंड. अब यहाँ क्या कॉन्सेप्ट है, क्या लगेगा मैं आपको बताता हूं. अब जैसे गॉड क्या है, थर्ड पर्सन है, क्या है, थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन के साथ में क्या लगाते हो आप, वी वन और एसीएस, तो एक तो ये ही लगाने की कोशिश करोगे, नहीं लगेगा भाई, नहीं लगेगा. तो लगेगा ये हेल्प लगेगा यहां पर, और इस हेल्प लगने के पीछे क्या कारण है, वॉट इज द रीजन बिहाइंड यूजिंग हेल्प, आई विल टीच यू इन डिटेल. अब देखो, अब यहां थर्ड पर्सन के साथ पहली फॉर्म आई क्यों, दिमाग में पर्सन तो यही उठता है ना, आई क्यों. तो मैं आपको एक बात बताता हूं कि चार वर्ब होती हैं इंग्लिश के अंदर, क्या होती है, एक तो हेल्प होती है, एक सेव होती है, ठीक है, एक हेल्प, एक सेव, एक ब्लेस और एक लीव होती है. ये चार वर्ब होती हैं. ये चार वर्ब जो होती हैं, इन चार वर्ब को इंपेरेटिव मूड में, इंपेरेटिव मूड यानी मूड दिखाया जाता है, किस मूड में, किस इमोशन में ये एक्सप्रेस हो रही है, तो इंपेरेटिव मूड में. और इंपेरेटिव मूड दो तरह का होता है, पहला होता है प्रेजेंट सबजंक्टिव, सबजंक्टिव मूड, दूसरा होता है पास्ट सबजंक्टिव मूड. अब पास्ट में तो वी टू लगता है और इसमें वी वन लगता है, बेस फॉर्म लगती है वी वन की, तो ये बेस फॉर्म है. अब जैसे प्रेजेंट सब्जेक्टिव में ये कैसे लगती है, इंपेरेटिव मूड में, किसी विश और होप को दिखाने के लिए लगते हैं. विश और होप को अगर आप दिखाते हो इंपेरेटिव मूड में, और प्रेजेंट सब्जेक्टिव में जब आप दिखाओगे सॉरी, तो आपको ये चार वर्ब जो है थर्ड पर्सन के साथ में वी वन ही लगानी है, एस और ई एस नहीं लगानी होती. ये कुछ प्रेजेंट सब्जेक्टिव में कुछ वर्ब और होती हैं, उसको आप थोड़ा सा ध्यान दे देना. मैं लिखता हूं हैड बेटर, हैड रेदर, वुड रेदर, वुड सूनर, ये चारों भी वी वन की डिमांड करती हैं. ये चारों भी हैड बेटर, हैड रेदर और वुड सूनर, ये भी मूड को शो करती हैं. जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं आपके सामने, देखिए, सेंटेंस देखो आप, यू हैड बेटर स्टार्ट रीडिंग नाउ, यू हैड बेटर स्टार्ट रीडिंग नाउ. अब यहां वी वन आया है, क्या हुआ, इसका अर्थ क्या है, कि अच्छा रहेगा, अच्छा रहेगा कि आप पढ़ना शुरू कर दें आप. तो ये विश को और डिजायर को, होप को एक्सप्रेस करती हैं, चारों ये वर्ब हैं और चार ये वर्ब हैं, तो इसलिए थर्ड पर्सन के साथ में. यहां पर आप थर्ड पर्सन की बात करोगे तो ही कर लो, तो भी वही बात है, पहली ही फॉर्म आएगी. अगर ये चार नीचे दी हैं, ये फ्रेज आती हैं, और बेस वर्ब ये हैं चार, हेल्प, सेव, ब्लेस, लिव,
और फ्रेज है हेड बेटर हेड रादर वुड रादर वुड सूनर, इनके साथ भी वी वन लगेगा, इनके साथ भी वी वन लगेगा, कोई एस ई एस नहीं लगेगा, चाहे वो थर्ड पर्सन क्यों न हो। अगर वो इम्पे और ये वर्ब जो है इम्पेरिटिव मूड को दिखाती है, किसी विशेष हॉप्स डिजायर्स को दिखाती है। दो तरह के मूड हैं आपके आगे सामने हैं, क्लियर है। अब एक छोटी सी बात और बताता हूँ, मेरी एक ट्रिक है इन वर्ब्स को याद करने की। तो मैं लिखता हूँ ब्रिटिश लैंग्वेज, ब्रिटिश लैंग्वेज एंड हरियाणवी स्टूडेंट्स। मैंने एक ई ट्रिक्स बनाई है, मेरे अपनी सुविधा के लिए है, लेकिन ये आपके लिए मैंने क्या बनाई, ब्रिटिश लैंग्वेज सीख रहे हो, हरियाणी में बच्चों के लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन ये चार वर्ब मैंने कैसे बनाई, बी से मैंने ब्लेस बना लिया, एल से मैंने लिव बना लिया, एच से मैंने हेल्प बनाया और एस से मैंने सेव बनाया। ब्रिटिश लैंग्वेज एंड हरियाणवी स्टूडेंट्स, यानी ये इस ट्रिक से हम ये चार वर्ब याद रख सकते हैं। सो ओके, बी रेडी फॉर द नेक्स्ट वीडियो, एंड इफ देर इज एनी प्रॉब्लम देन राइट इन कॉमेंट, एंड प्लीज सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग लिसनिंग।